हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। रिजवान हैदर मोहसिन अली वेलकम यू इन दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं आप जहाँ पे भी होंगे खैरियत से होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। तो भाई अभी कुछ दिन तो क्रिकेट मैचेस नहीं है, एक हफ्ता, और एक हफ्ते के बाद फिर इंडिया जाएगी साउथ अफ्रीका। पाकिस्तान मौजूद है और पाकिस्तान का अभी मैच जो है वार्म अप मैच शुरू हो जाएगा, लेकिन ऑफिशियल जो मैच है वो 14 तारीख से शुरू होगा। तो होपफुली अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज आएंगी दोनों तरफ से, दोनों मतलब पाकिस्तान भी अच्छा करेगा और इंडिया भी। यह नहीं कि उधर दूसरी तरफ की बात मैं नहीं कर रहा। बाकी जो सूरतयाल है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो सीरीज है, उससे पहले आपने देखा उस दिन एक आर्टिकल लिखा न्यूज़पेपर में, तो जॉनसन ने बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया था वार्नर पे और वार्नर से कहा था कि भाई ये कैसे मतलब इसको हीरो वाला वेलकम दे रहे हो, वैसे भी फॉर्म में नहीं है, डिजर्व भी नहीं करता। और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट की हिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा शर्मनाक काम हुआ है तो उसमें ये इन्वॉल्वड है, तो आपने इसको अजीब सा हीरो बनाया हुआ है और ये और वो। तो उसके डिफेंस में ख्वाजा साहब आए हैं, ख्वाजा साहब कह रहे हैं जी ये बिल्कुल हीरो है वार्नर, और बड़ा हार्श क्रिटिसिज्म किया है जॉनसन ने, ऐसा क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए और ये सारी बातें। तो ये अच्छा है पाकिस्तान के लिए, अच्छा है, ये माइंड गेम्स वैसे दूसरों के खिलाफ खेलते हैं तो अच्छी बात है कि इस मौके पे एक दूसरे के खिलाफ ही इस तरह की बातें करते रहे, तो जरा कोई एडेड प्रेशर कोई बन जाए वार्नर पे, ये ना हो कि वो इसको एज अ चैलेंज ले ले और गुस्सा हम पे निकाल दे। लेकिन पिछली दफा की तरह ट्रिपल सेंचुरी ठोक दे, तो अभी अच्छा है आपस में ये लगे रहे। तो थोड़ी सी गुफ्तगू होगी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज पे भी। और बयान उसका सुना जी शाय होप का, उसने कहा है कि धोनी के कुछ अल्फाज हैं जो उनके दिमाग में रह गए और वो अल्फाज ऐसे हैं कि जो कि उनकी कामयाबी का की कुंजी बने हुए, कीज टू सक्सेस बोले तो की टू सक्सेस वो क्या अल्फाज हैं वो भी आपको बताएंगे। जी मोहसिन अली साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी, सारी सर्दी तो आप ले गए, हम तो यहाँ फारग हैं, बढ़ गई सर्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। रिजवान साहब, बहुत सारे इंडियन कैनबरा में उसको देखने पहुंच गए हैं, अपना क्या नाम है, बाबर आजम को, और बाबर का क्रेज जो है यहाँ पे आकिब जावेद, यहाँ पे अपना सिक्कू भाई, यहाँ पे अपना रजाक, यहाँ पे और कईयों को नीचे से मिर्चे लगा रहा है, लेकिन बाबर जो है सारी लाइम लाइन जो है वो समेट रहा है। तो बहुत सारे इंडियंस गए। अब दो चीजें हैं भाई, आपने टेस्ट खेलना है पर्थ में, 6 घंटे की फ्लाइट है, दूसरे कोने में है, 4 दिन बाद आपने जो है उसके टेस्ट खेलना है वार्म अप मैच के बाद, किस गधे ने ये शेड्यूल बनवाया था और किस गधे ने ये शेड्यूल एग्री किया, आप मुझे बताएं। कैनबरा में तो कभी भी मैच नहीं होता, कोई नहीं, ना सरफराज, सुबह मैं उसका सुन रहा था, पीसीबी ने भी चढ़ाया, ना वो कभी गया, ना कोई और कभी गया, तो यहाँ पे क्या मतलब, ये दीवे जो सारे आपने 17 बंदों की वो फिर आ जाएगा, राहुल के हमारी 40 जाते हैं तो तुम्हारे 17 गे हैं, तो भाई हम गरीब लोग हैं, beggars are not choosers, that's the reason our prime minister has said that, so what is the reason Canberra में क्यों, जहां 6 घंटे दूसरा कोना है ऑस्ट्रेलिया का, वहां पे आप प्रैक्टिस मैच खेल के फिर जब आप पर्थ में आएंगी तो आएंगे तो आपके तो भाईजान मेखे शेखे कीले मीले सब निकल चुकी होंगी। हाँ बस अब ऑस्ट्रेलिया है ही इतना बड़ा, अब वो एक शहर से दूसरे शहर जाते जाते फिर लग पता जाता है। तो भाईजान आप पर्थ में बेस हो जाते ना, पर्थ में बेस हो जाते, कहते यार नहीं हमने तो यहीं पे प्रैक्टिस करनी है क्योंकि मैच हमने यहाँ खेलना, जब आप कैनबरा में कभी गए ही नहीं, अभी वहां क्या बांसुरी बजाने गए हैं क्या, उनके प्राइम मिनिस्टर ने बुला लिया है चलो मुफ्त की रोटी खा ले, वो एक बर्गर और एक एक कोक हाथ में पकड़ाएगा, कहेगा पुत्र है खाओ तो निकलो बाहर, यही दावत है तुम्हारी। तो लोग लिख रहे जी बफरिंग बफरिंग, ये अब आप बताइए कि
दोनों तरफ स्क्रीन की मैं दोबारा ज्वाइन कर लेता हूँ, दोबारा ज्वाइन करता हूँ मैं। हाँ, या जब मैं बोलता हूँ तब भी आती है, या जब मौसम में बोलते हैं तब भी आ रही है बफरिंग। तो बताएं जरा ताकि पता चले कि मसला क्या है, कहाँ है और कैसे उसको मजीद बेहतर किया जाए। सो ये बताइएगा, राइट साइड, राइट साइड का आप नाम लिख लेंगे मेरी तरफ से या उनसे, आप राइट लेफ्ट। अच्छा जी, उनकी साइड पे, हाँ वही मैं देख रहा हूँ उनकी तरफ से जो है ना बफरिंग, सुबह की वीडियो में भी थी, अभी भी थी। तो आई डोंट नो व्हाट इज द इशू, और चलो देखते हैं अभी दोबारा। हाँ अब ठीक हो गया ना काम, यानी जब मैं बात कर रहा हूँ तो ठीक हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उनका इंटरनेट में मसला है। पता नहीं पेमेंट तो उन्होंने कर दिया, क्योंकि वो तो 2 दिन बाद ही आके नेट रोक देते हैं इंटरनेट कि चलो भाई पहले पेमेंट करो, तो पेमेंट तो हुई होगी, ये फिर क्या मसला चल रहा है जी। साउथ अफ्रीका वाले स्क्वाड पे सुबह हमने बात की है डिटेल में, और टेस्ट का, वनडे का, T20 का, बुमा और रबाडा सिर्फ टेस्ट में है, बाकी उनके जो प्लेयर्स हैं ज्यादा मार्को जेंसन वगैरह वो भी एक दो T20 खेल के फिर वो टेस्ट के लिए मौजूद होंगे। तो उस पर हमने गुफ्तगु की है सुबह की वीडियो में, क्योंकि जब हम लाइव आए थे सुबह या दोपहर में तो तब वो स्क्वाड अनाउंस हो चुका था, तो उस पर हमने बात की है। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप वो दोबारा वो वीडियो देख सकते हैं आप। तो अब चूंकि उस पर बात हो चुकी है हमारी सुबह, तो आप बार बार एक ही टॉपिक पे बात नहीं होती। और हाँ जी, हाँ जी जी, लास्ट वीडियो में अक्की साहब आप सही कह रहे हैं, हमने बात की है उस पे जी। अभी बेहतर लग रहा है, लेकिन काफी लोग कह रहे हैं कि आपका यानी के नेट, मोहसिन अली साहब का नेट थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। तो थोड़ा मेरा तो, नेट तो वैसे अब तो मैंने और हरामखोरों ने 500 रुपया और बढ़ा दिया, तो पैसे हाँ, बढ़ाते जा रहे हैं, नेट की क्वालिटी कम करते जा रहे हैं। हाँ तो उनको फोन करके जरा उनकी क्लास लेना कल, और ये लेडी बर्ग नहीं, मैं फिर कुछ करूंगा, फोन तो नहीं करता, बस जो भी करना है कुछ कर लेना। तो जी जनाब, शाय होप ने क्या बोला, कामयाबी है शाय होप की, बताएं जरा। उसने बोला मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था धोनी ने, देयर इज अ मैन कॉल्ड महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने मुझे कहा था देयर इज ऑलवेज टाइम लेफ्ट, कहता बस वो मेरे दिमाग में बैठ गया कि भाईजान आपने लंबी बैटिंग करनी है, आपके साथ वक्त है, और अगर आप वक्त गुजारेंगे तो जीत जो है आपके। देखे इसने 16वीं सेंचुरी की है, रिजवान साहब बड़ा जबरदस्त खेल रहा है, और महेंद्र सिंह धोनी, अब बदकिस्मती है, शुक्र है धोनी जो है वो क्रिकेट ही खेल रहा है उस तरह, वरना कुछ लोग फिर इल्जाम लगा देते। देखिए महेंद्र सिंह धोनी जो है एक यूनिवर्सिटी है, आज जो इंडियंस स्पेशली इंडियंस, इनमें जो इनके गंभीर साहब वगैरह है, वो कहते हैं सिर्फ 3 टाइटल, क्या कहते हैं सिर्फ 3 टाइटल, तो वो सिर्फ 3 टाइटल दुनिया का कोई नन्हे खान, कोई फने खान, कोई 30 बार खान नहीं जीत सका, जो धोनी ने जीता अपनी टीम के साथ। ऑब्वियसली टीम के साथ 10 खिलाड़ी और भी थे, वो छक्का धोनी ने नहीं वो गंभीर ने मारा था, मान लेते हैं कि रिजवान। देखे दुनिया तारीफ कर, तारीफ वो है जो दूसरे करें। अब जैसे सुबह हम विव रिचर्ड्स की बात कर रहे थे, विव रिचर्ड्स को जिन्होंने खेलते देखा स्पेशली 50 साल वाले, उन्होंने लाजमी देखा होगा जो 50s में है, लेट 40s में है, 60s में है, अगर वो कह रहा है वहां पे विराट कोहली, बाबर और शह होप चाहिए, और अपने कुछ चुनने मुन, अच्छा कह रहे क्या हम 4-1 से जीत गए, 5-0 से जीत सकते थे, हमें जरूरत नहीं है किसी भी इनिंग्स को बिल्ड करने वाले की, चले ये पता लग जाएगा पिछले T20 का हाईएस्ट स्कोरर कौन था, इस वर्ल्ड कप का हाईएस्ट स्कोरर कौन है। चले ठीक है, अगर महेंद्र सिंह धोनी की वो तारीफ कर रहा है शायो, तो अब ना तो वो आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट देख रहा है, ना आईपीएल खेलता है, ना महेंद्र सिंह धोनी कोई रोल है। तो भाईजान बात ये है
अगर वो धोनी की तारीफ कर रहा है तो दुनिया तारीफ करती है, कोई दो चार लबड़ गबड़। देखिए ऐसा ब्रेन, पूरी दुनिया धोनी रिव्यू सिस्टम कहती है DRS को, तो किसी वजह से कहती है। और देखें मोस्ट रिसेंटली आप देखें ये गायकवाड है, आप देखें जडेजा, आप देखें ये कॉनवाय है, मोइन अली है, दीपक चाहर है, आप देखें रिजवान साहब पत्रीराना, उसके घर वालों ने उसका शुक्रिया अदा किया। बाकी श्रीलंकन गवर्नमेंट ने लिख दिया ICC को, उनका जो मिनिस्टर था उसकी इंक्वायरी करें, इसने जो फंड मिले थे खा गया उसको, जो निकाल रहा था पूरे श्रीलंका बोर्ड को उसको ही निकाल दिया गया था। तो शायद ओप की बात में बड़ा वजन है। महेंद्र सिंह धोनी ने कई लोगों को, देखे माजी में ये बड़ी मिसालें मिलती थी, अब तो एक मैच खेलो एक सीरीज खेलो कोई ना कोई उठता है, इसको ये बना दो ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, कोई ये नहीं कहता कि भाई कुछ सिखाएं, इसको कुछ टाइम दे, थोड़ा इसको मैच्योर होने दे। नोबडी सेज दैट। जी तो बात में काफी वजन है शाही होप की, कि MS धोनी की एक बात मेरे दिमाग में स्टक रह गई और वो काफी कामयाबी की कुंजी बनी हुई है, और बार बार मुझे बेहतर फीलिंग आती है। I mean, वो कहने है कि मैं बार बार अच्छा इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि वो वाली जो बात है वो मेरे दिमाग में एक घुस चुकी है। और बात ये है कि देयर इज ऑलवेज मोर टाइम देन यू थिंक, कि टाइम आपके पास काफी होता है, जितना आप सोचते हैं उससे भी ज्यादा होता है। मतलब गेम को डीप लेके जाओ, डीप डीप डीप। और काफी टीमें यहाँ पे गलती कर जाती हैं, ये हमने कई बार देखा। हमारी अपनी टीम की बात करें, अभी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 370 चेस करना था और ये 38 ओवर में ऑलमोस्ट 270 कर गए थे, 6 विकेट्स इन हैंड, 70 गेंदों पे 100 रन चाहिए थे। जो शायद होप के दिमाग में बात आ गई है, अगर इनके दिमाग में वो बात आती तो शायद के मैच का नतीजा कुछ और होता, कि गेम को डीप लेके जाओ एंड तक। एंड पे जब पता चलता है ना कि जी 5 ओवरों में 50 भी, तो जो टीम डिफेंड कर रही होती है उसके पसीने थोड़े थोड़े छूट रहे होते हैं। यार 5 ओवरों में 50 तक बात आ गई है और एंड पे कोई साथ देने वाला अगर कोई बॉलर भी है जो थोड़ी बहुत ही बैटिंग करता है, एक दो लपेटे मार दिए तो काफी काम नजदीक आता जाता है। तो जितना गेम को नजदीक लेके जाएं उतना ही फायदा है। वो पाकिस्तान ने क्या किया उस मैच में, 34 पे 6 आउट हो गए, 27 गेंद पहले ही आउट हो गए, बाहर आ गए, जो भी 60 रन के करीब वो मैच हारे। तो गेम को डीप लेके जाना ये बहुत जरूरी है, ये खास करके लिमिटेड ओवर क्रिकेट में बहुत जरूरी है, वनडे में भी और T20 में भी इसका यही जो रूल है अप्लाई होता है। हमने बहुत बार देखा है कि ऐसा महसूस हो रहा है ये धोनी क्या कर रहा है, इतना नजदीक, इतना रिस्की एंड तक ले जाने की क्या जरूरत है। 90% वो कामयाबी होके आता है, ठीक है एट द एंड ऑफ द डे इज ह्यूमन बींग, तो 2-4-5 बार नहीं कामयाब हो सका होगा, लेकिन बेतहाशा बार उसने ये काम किया है और गेम को डीप ले जाते वो जिताया भी है। अब उस मैच की आप बात कर ले पाकिस्तान की, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 70 गेंदों पे 100, बेंगलुरु वाला मैच था, बेंगलुरु में आपको हमने देखा IPL में विकेट इन हैंड हो तो 5 ओवरों में 70-70 बन जाता है। और उस मैदान में जी हमने क्या किया, गेम को डीप क्या लेके जाना था, एक के बाद एक मुंह उठा के शॉटे खेलते रहे और ये कहानी हो गई। वहां से इनको अगर ये 6-7 के रन रेट से भी बीच में एक आधा 8 ओवर का भी 8-9 का निकल आता तो ये आराम से डीप लेके जाते, और आखिरी 3 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को वो लेट थे तो एक फील्डर और उनका बाहर से दायरे में आ जाता। तो टीमें बहुत स्ट्रगल करती हैं इस बात को, वो ये बात पे अमल नहीं करती, लेकिन शाय होप कह रहे हैं कि जी ये बात उनके दिलो दिमाग में घुस चुकी है
कल का भी जो मैच है कहीं थोड़ा थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार रन रेट बढ़ता जा रहा है, लेकिन भाई वो बिल्कुल कैलकुलेटेड तरीके से खेला और एंड तक वो मैच को लेके गया। तो ये जितने भी यंग क्रिकेटर्स हैं या जो खेल रहे हैं, ये बात वो अपने दिलो दिमाग में ले आए, लेकिन ये वाला काम वही करेंगे जिनके पास पावर हिटिंग की शानदार एबिलिटी भी है। ये ना हो कि एट द एंड जनाब आखिरी 3 ओवरों में 15-14 का स्ट्राइक एवरेज चाहिए तो आप हार के बाहर आ जाएं। तो आप जितना आप कर सकते हैं उधर तक ही जाने दें। धोनी तो 12-15 रन की 3 ओवरों में पूरा कर लेगा, लेकिन अब बाबर आजम जो है फॉर एग्जाम्पल, अब उसका वो गेम नहीं है ना, तो वो 7-8-9 रन के रिक्वायर्ड से ऊपर ना जाने दें, लेकिन गेम को डीप लेके जाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये बड़े पते की बात शायद होप ने की है, और कल वो मैच जीते हैं। 83 गेंदों पे 100 किया अगले ने, 83 बॉल 100, और आराम सुकून से मैच जीते हैं वो बगैर किसी ड्रामा के। अभी विकेटें भी हाथ में थी और गेंदें भी, अभी 49वें ओवर का खेल जारी था, अभी 50वां ओवर उसके बाद बाकी होना था। तो गेम अभी खेल जो है वो और भी रहता था 1 ओवर का, बल्कि 50वां भी शुरू होना था और 3 गेंदें मेरे ख्याल में 49वें ओवर की भी बाकी थी, और वो आराम सुकून से मैच जीत गए। टोटल भी छोटा नहीं था, 325 का टोटल था, तो बड़ा टोटल था। तो बात बिल्कुल सही है, जो कोई पते की बात बोले तो उसको अपने दिमाग में बांध लेना चाहिए। इसी तरह मतलब बाबर आजम भी अक्सर जिक्र करता है कि उसने भी विराट कोहली से बात की कि भाई विराट कोहली साहब कोई मशवरा, कोई 2017 चैंपियंस ट्रॉफी की बात है, आप इतने बड़े बैट्समैन हैं, कोई मशवरा, कोई नसीहत, एडवाइस कुछ कि मैं गेम को अपना कैसे इंप्रूव करूं। तो उसने एक मशवरा दिया कि भाई जब तुम नेट में प्रैक्टिस करते हो ना, ऐसे ही करोगे जैसे मैच में कर रहे हो नेट में, वरना ऐसे लोग कहते हैं ना नेट है क्या है, इधर मारा इधर मारा, कभी बोल्ड हो गए, कभी एज लग गया, कभी ये पैड पे लग गई, कि चलो जी नेट ही है। उसने बोला कि नहीं, जो नेट में जैसा खेलोगे वैसा ही तुम फिर मैच में भी खेलोगे, तो ये सोच के खेलना नेट में आज के बाद कि तुम जैसे मैच में खेल रहे हो, आउट नहीं होना। और फिर ये बात जो है फायदेमंद, उससे तो बाबर कहता जी उसके बाद मैंने काफी बेहतर परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं क्योंकि मैंने इस बात पे अमल किया। तो अब MS धोनी जो है वो एक लेजेंड क्रिकेट के खेल में, और खास करके जो उसकी कामनेस है वो, और चेज में जो इतना सुकून में चेज, सुकून में रहते हुए चेज करना, ऐसे बहुत ही कम, ही इज द बेस्ट बेस्ट एवर। तो उसकी कुछ बातें फिर की हुई हैं, तो शायद होप उसका फायदा उठा रहा है, तो आने वाले जो यंगस्टर्स हैं उनको भी इसका फायदा उठाना चाहिए, गेम को डीप में लेके जाएं अपनी सलाहियतों को मद्देनजर रखते हुए, जितना आप एंड पे काबू कर सकें। ये ना हो कि काम पहुंचा हो जी 15 के एवरेज आखिरी 4 और 3 ओवरों में, तो आप बोले जी ये तो बहुत ज्यादा ही काम डीप हो गया, वो वाला भी डीप नहीं। तो भाईजान आप सुबह अपने पहला काम ये करना है कि आपने इंटरनेट वालों को जरा हेलो हाय करनी है उनके साथ, और उनसे पूछना भाई क्या हाल है तुम्हारा, हमारा हाल क्यों खराब कर रहे हो तुम, अगर तुम्हारा ठीक है तो उनके जरा कान शान खींचना आप, क्योंकि वाकई मसला जो है ना आ रहा है इंटरनेट का। तो जी अभी अभी चलो, अभी तो खैर अभी छोटा वीडियो या आधे घंटे वाला, तो बस 8-10 मिनट और बात करते हैं, फिर दोस्तों से इजाजत लेंगे, कल ही बात होगी। तो जी मोहसिन अली साहब, ये जो वार्नर को बोला है जॉनसन ने, तो आप समझते हैं कि उसका कोई दबाव हो सकता है उस पे, अंडर प्रेशर वो आ सकता है, क्योंकि जाहिर है कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया में ये बात हुई है और बात भी एक उनके लेजेंडरी फास्ट बॉलर ने की है, जॉनसन का बड़ा नाम मुकाम होता था, तो बात काफी हार्श क्रिटिसिज्म हुआ है। सो डू यू थिंक इट विल ऐड सम प्रेशर ऑन वार्नर, या वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको? रिजवान साहब एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देगा, टिकटॉक पे वीडियो बनाएगा वार्नर और कहेगा छोड़ो पागल है, बुड्ढे पागल होते हैं, ये हमारी तरह हजम नहीं कर पाते। क्या वार्नर का बड़ा अच्छा वर्ल्ड कप गया, हाउ कैन यू से कि ही इज अ फ्लॉप। और देखे आखिरी सीरीज हर एक का राइट होता है, जब आप अपनी जिंदगी के
इतने साल देते हैं मुल्क को, अगर आपको वो आने आए टाटा बाय बाय करें तो उसमें, या वो अगर डिमांड कर रहा है उसमें कोई बुरी डिमांड तो नहीं है। और सबसे बड़ी बात है देखें, वार्नर मजे का बंदा है, अच्छा करेक्टर है, ठीक है, उससे गलती हुई, उसने सजा भुगती, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफी मांगी, आंसुओं का सैलाब बना और वो जो है वो सिडनी हार्बर में जाके गिर गया। अब यार देखिए, जब आप जा रहे हो ना, फिर ऐसे मौके पे इस तरह की जो है ना बात अच्छी नहीं लगती, मतलब इट डजंट लुक गुड। ये हमारे तो दो दो आने के लॉलीपॉप की पैदाइशें करते रहते हैं। मिचेल जॉनसन एक बहुत बड़ा बॉलर था, बहुत बड़ा बॉलर, मतलब वो कोई आम सा फुद्दू सा जिसे कहते हैं ना हादसाती क्रिकेटर नहीं था मारों की तरह, उसे ये बात शोभा नहीं देती। जहां तक आप ये कह रहे हैं कि इससे ज्यादा मोटिवेट होगा या अंडर प्रेशर होगा, मेरा नहीं ख्याल है कि वो अंडर प्रेशर होगा या मोटिवेट होगा। मेरा ख्याल है वार्नर इज एंजॉयिंग वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स और तगड़ा खेल रहा है, वर्ल्ड कप भी तगड़ा खेल है, लास्ट सीरीज है, ही विल गिव हिज 100%, दैट इज फॉर श्योर। अब ये आप पे है कि शाहीन अफरीदी ने जो भड़क मारी है कि मैं इसकी आखिरी सीरीज अच्छी नहीं होने दूंगा, अब अल्लाह करे वो ऐसा ही करे, ये ना हो शाहीन के ये नाक से धुएं निकाल दे, तो ये ध्यान करे। बाकी मिचेल मैं समझता हूँ ये नहीं कहना चाहिए था, मिचेल को ये अच्छा नहीं किया, चलो अच्छा है अपने टीममेट की डिफेंस में आया है और उसने आके कहा कि काफी हार्श ये क्रिटिसिज्म है और वार्नर हीरो है और ये सारी बातें, तो देखो ख्वाजा अच्छा बंदा है, गरीब आदमी है, पहले भी लैंगर ने उसके कंधे लोगों ने इस्तेमाल किए और बेचारे को 2 साल बाहर बैठ के सच की सजा भुगतनी पड़ी, अब भी ना और शरारती गोरे इकट्ठे हो जाए और ये बेचारा फिर अकेला हो जाए। नहीं नहीं ये तो अच्छा है अपनी टीम के डिफेंस में बोला एक प्लेयर के, तो अभी भी इसके खिलाफ क्यों होंगे। He said the right thing. क्योंकि सच जो होता है ना वो जरा तल्ख होता है। हाँ तो दोस्तों देखेंगे क्या बनेगा सिलसिला। और पाकिस्तान मुझे लास्ट टाइम याद भी नहीं है कि जब इन्होंने मैच ड्रॉ भी किया था उधर, जीतने तो दूर की बात, कोई पिछली सदी की बात है, कोई इस सेंचुरी में ये काम ही नहीं हुआ मतलब इस सेंचुरी में ये काम ही नहीं हुआ कि पाकिस्तान जाके वहां पे कोई मैच जीतने की मैं बात नहीं कर रहा, मैं मैच ड्रॉ करने की बात कर रहा हूँ इन ऑस्ट्रेलिया। हाँ ठीक है हम जीते हैं टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया से इन दिस सेंचुरी, बट दैट वाज इन इंग्लैंड, वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं था मैच। तो ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया से मैच ड्रॉ करना ये सेंचुरी में हुआ ही नहीं है। पाकिस्तान जब जब भी गया है ये फेंटा खा के आए हैं, तो अब इस दफा ये कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। और एक तो पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं उनको ऑस्ट्रेलिया से ऐसी कोई डर खौफ नहीं होता, उसके पीछे एक वजह है यही सारी, मतलब जाके कभी टेस्ट मैच इन्होंने ड्रॉ भी नहीं किया। देखें जीतना दूर की बात है, अब बंदा क्या बोले, और ये कोई 12-14 मैचेस की बात है, ऐसा नहीं है कि जी गए ये 10 सालों में कोई एक दो बार गए हैं, दो दो मैच खेल के आ गए हैं, ये कोई 13-14 मैच खेल चुके हैं और सारे के सारे हारे हैं, एक मैच भी इन्होंने ड्रॉ तक नहीं किया। और एक मैच में ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, अजहर अली ने 200 किया था तो इनिंग्स डिक्लेयर कर दी इन्होंने जी, बहुत रन हो गए हैं, बहुत ज्यादा, वो ऑस्ट्रेलिया ने उससे ज्यादा ऊपर रन डाले 150-200 और अगली इनिंग्स में इनको बुरे तरीके से आउट किया सस्ते में और मैच जीत गए वो भी। तो ड्रॉ करके भी, मतलब ये वो डिक्लेयर करके भी ये ड्रॉ नहीं कर पाए टेस्ट मैच, तो बहुत बड़ा चैलेंज है, 3 मैच है इनके पास, अगर इन तीनों में से ये एक ये वाला काम कर देंगे जी मैच हमने ड्रॉ, हमने ऑस्ट्रेलिया को जीतने नहीं दिया, बस यही हेडलाइन बन जाएगी कि पाकिस्तान ने डिनाई कर दिया ऑस्ट्रेलिया को कि वो किसी एक मैच में उनको जीतने नहीं दिया। अब ये हम आप इससे कोई भी बात अखज कर ले कि ऑस्ट्रेलिया को जीतने नहीं दिया या ड्रॉ कर दिया है या कोई मौजा हो गया, कोई करिश्मा हो गया, कोई सुनी गई है गरीबों की, तो हम कोई मैच ही जीत गए,
तो इन दोनों में से अगर कोई भी एक काम हो गया ना तो वी वुड बी ओवर द मून कि हाँ जी बहुत शानदार जॉब हो गई है और मजा आ गया जी। ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया में हमने जीतने नहीं दिया। तो मोहसिन अली साहब उम्मीद तो है कि टीम अपनी अच्छा करेगी, लेकिन हम 3 मैचों के बाद किस पोजीशन में होंगे कि हम कहें कि जी हमने ऑस्ट्रेलिया को सीरीज नहीं तीनों मैच नहीं जीतने दिए। वुड वी बी इन नहीं दैट भाई, ये नहीं हो पोजीशन? सकेगा, सॉरी। मैं सुबह में भी ख्वाब नहीं देखता, तो इस वक्त तो जी मैं आप जाग रहा कह हूं, रहे पाकी कैसे ख्वाब साहब कुछ अच्छा देखूं? कर जाएगा इस दफा। नहीं, अच्छा करेगा, लेकिन आपने कहा तीनों मैच बचा लेगा, ये मैंने नहीं कहा। ओहो मैं नहीं नहीं मतलब नहीं भाई, मैंने कहा कि 3 मैचों के बाद हम कह सकेंगे कि जी चलो तीनों तो नहीं जीता ऑस्ट्रेलिया, कोई मतलब हाँ, एक आधा आप हमने कह बचा लिया। सकेंगे, बिल्कुल हम ये कह सकेंगे, अच्छा करेगा। देखिए, मैंने आपको बताया, बहुत सारे इंडियंस देखने गए हैं बाबर आजम और पाकिस्तान टीम को। अगर इनमें से चौथा हिस्सा ने भी पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट किया, तो ये बड़ी मैसिव सरप्राइज होगा शरारती गोरों के लिए। यहाँ ऐड कर ले, आपके बड़बोले पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर, पीसीबी के चीफ सिलेक्टर, जो किसी की तड़ी में नहीं आता, जो ब्लैकमेल नहीं होता, जो प्रेशर नहीं लेता, अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, उसने कहा था जब तक ये नहीं खेलेंगे डोमेस्टिक, हम हारिस रऊफ वगैरह को बिग बैश के लिए एनओसी नहीं देंगे। तो भाई ने एनओसी दे दिया हारिस को, जमान को, उसामा मीर को। सिर्फ बड़बोलापन, जितने बड़बोलेपन है नहीं नहीं वो आपको एनओसी नजर तो तब तक आएंगे। नहीं मिलना था ना कि जब तक वो नेशनल T20 चल रहा है, तो वो खत्म हो जाता तो एनओसी मिल जाना था इनको। तो चल रहा ना नेशनल T20, तो हाँ जबान पिंडी से खेल रहा, सुपर एट चल रहा भाई। तो वो खेल के जाएंगे ना। सर फिर ऐसी बयान ना दिया करे ना, जब आपके अंदर तप्पड़ नहीं है ना, नहीं तो नहीं पहले इट आप डजंट मेक कहते सेंस हैं। ना, इट डजंट मेक सेंस अच्छा कि जी सुने, टूर्नामेंट टूर्नामेंट ओवर हो गया तो फिर उनको क्यों रोकेंगे, फिर तो जाने ओवर नहीं देंगे। हुआ अभी, अगली बात सुने। नहीं तो वो टूर्नामेंट के बाद ही जाएंगे। सलमान भट्ट को एक दिन के बाद प्रेशर में आए बगैर मोहम्मद हफीज साहब के, वहाब रियाज ने कहा थैंक यू वेरी मच, आपने तनख्वाह भी नहीं लेनी थी। उसी सलमान भट्ट को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि आप हमारे बैटिंग कंसल्टेंट बन जाए, जैसे उमर गुल, जैसे राशिद लतीफ, जैसे इंजमामुल हक। तो कमाल की बात यह है रिजवान हैदर साहब, कि हमारा जो ब्रेन हो, देखें आप एक पॉलिसी क्यों नहीं वाजे करते। आपको मैं बताऊं, पीसीबी ने, जो नजम सेठी ने ढेर सारी अपॉइंटमेंट्स की थी रमीज के जाने के बाद, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिवाय सभी अजहर और रियाज अकबर के, वो तमाम लोगों को, नदीम खान से लेके पिंडी इस्लामाबाद से लेके, सबको नौकरी पे वापस रख लिया है। ये इनके बाप का पैसा, डिले कोर्ट के शुगर मिलों की कमाई है और मौज लगी हुई है। देखें यहाँ पे आवे का आवा जो है वो बिगड़ा हुआ है, तो जब आपका सारा सिस्टम ही करप्ट है, तो फिर आप हर जगह मौज लगी है, हर जगह मौज लगी है, तो फिर आप क्या किसी के। वहाब रियाज भी मजे कर रहा है, हफीज भी मजे कर रहा है, सारे जहां जहां जिस जिसका फुद्दू लगा हुआ है वो वहां वहां अपने मजे लगा रहा है, मौज कर रहा है, अय्याशी कर रहा है। बाकी रोहित शर्मा जो है वो वापस आ गए हैं इंडिया, इंग्लैंड में थोड़े दिन गुजारने के बाद आज मुंबई पहुंचे हैं। छोटी को गोद में उठाया हुआ था, वही कैमरे वैमरे आके कहता यार ये क्या है यार, उसे गुस्सा आ रहा था, जो उसका एक स्टाइल है यार। वैसे कभी तो इंसान को, माना सेलिब्रिटी है लेकिन इंसान भी तो है ना, कभी ये पापराजी जो है, ये जो फैन वैन है, कभी कभी थोड़ा सा बंदे को अलग भी छोड़ देना चाहिए। कि यार एक बंदा इतना बड़ी कैंपेन के बाद, इतना हार्ट ब्रेक के बाद आया, तो उसे थोड़ा सा चिल करने दे, वो भी इंसान है कि नहीं है। सही बात है जी, ऐसा ही है। परेशान कर देते हैं, बच्ची की तस्वीरें, बेगम की तस्वीरें, उसकी तस्वीरें, गलत बात है ना यार। इंसान जो हाँ है तंग हुआ होता है, किसी और फ्रेम ऑफ माइंड में होता है,
ये ढकढक ढकढक एक आ रहा है दूसरा बीच में बढ़ रहा है, कमाल है यार। तो जी भाई अब देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम क्या करेगी जाके, और काश के हम ये कहने में कि काबिल हो जाएं कि जी हमने ऑस्ट्रेलिया को तीनों मैच जीतने नहीं दिए। तो अब ये हमारे क्रिकेट का लेवल आप देख लें, कहेंगे इस दफा आप ये बात कहेंगे होपफुली। तो कई लोगों को ये बात शायद लगे कि यार इतनी नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, बट इट्स नॉट नेगेटिव थिंकिंग, इट इज कॉल्ड रियलिस्टिक थिंकिंग, के हकीकत पसंदाना सोच इसको बोलते हैं। अब हम पूरी सदी में, इस सेंचुरी में हम कभी जाके वहां पे एक मैच बचा भी नहीं सके, बचाने से मुराद जीतना नहीं है, बचाने से मतलब ड्रॉ भी नहीं कर सके। तो अब हम जब ये उम्मीद लगा रहे हैं कि जी तीनों में से हम कोई जीतने ना दें सारे मैच ऑस्ट्रेलिया को, तो ये हमारी सोच नेगेटिव नहीं है, हमारी सोच हकीकत पसंदाना है। हमें अपने जो खिलाड़ी हैं उनकी सलाहितों के मुताबिक जो है एक्सपेक्टेशन रखने का मतलब रखना चाहिए, और वही हम कर रहे हैं। सो आई वुड बी वेरी डिलाइटेड इफ समहाउ दे मैनेज टू दिस वेरी वेरी एम्बैरेसिंग स्ट्रीक दैट वी आर अनएबल टू विन एंड अनएबल टू ड्रॉ अ सिंगल मैच फ्रॉम लास्ट 14 टेस्ट मैचेस। Last 14 test matches, Pakistan, they went to Australia and they lost all of them. It's very, very embarrassing. So, ab isko rok nahi payenge ki nahi, ye to khair waqt hi batayega. Lekin, bada sharmindagi wala ye start hai. Aur isko behtar karna chahiye, aur karna, uske liye mehnat to unko badi karni padegi, kyunki Australia ne bada zabardast squad apna announce kiya hai. Unhone koi ड्रामेबाजियां नहीं की, और स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस, बॉलैंड, मिच मार्श वगैरह, और ग्रीन, तो नथन लॉयन बॉलिंग बैटिंग, ये देखिए ऑलराउंडर भी बीच में, और फिर ऊपर से एस्टैब्लिश उनके टेस्ट कम में, स्मिथ का दुनिया में नाम है तो वो टेस्ट फॉर्मेट की वजह से ही है। स्मिथ, लबुशेन, वार्नर की आखिरी सीरीज है, वो भी अच्छे कड़ाके निकालने का सोच रहा होगा। हेड आपको पता है खतरनाक है, मिच मार्श वगैरह, तो ऐसे खिलाड़ी के जो उनकी टीम को ऐसा लगे कि भाई ये इनकी टीम को जरा नीचे की तरफ खींच रहा है, तो ऐसा कोई भी नहीं है, सारे एक से बढ़ के एक हैं। तो अब इनको मोटिवेशन लेनी पड़ेगी। लास्ट टाइम जो इंडिया गया था वहां पे, खास करके गाबा वाला टेस्ट मैच, उसमें देखें कि जी इंडिया ने जो टीम उतारी थी वो क्या थी, उसका कितना एक्सपीरियंस था, 12-13 टोटल विकेटें थी उनकी, और ऑस्ट्रेलिया की जाहिर है कि नथन लॉयन, स्टार, कमिंस, हेजलवुड वगैरह, 1000 से ज्यादा विकेटें थी इनकी मिला के टेस्ट करियर की। तो मोटिवेशन आप ले सकते हैं वहां पे कि आप 20 विकेटें आपने लेनी है, तो 20 विकेटें आपने लेंगे तो या मैच जीतेंगे, अगर मैच ड्रॉ भी करना है ना तो आपको 12-15 विकेटें लेनी पड़ेंगी प्रेशर डालने के लिए। अगर आप हर इनिंग में 2-2, 3-3 आउट करेंगे तो मार मार के आपका कीमा कर देंगे। अगर ड्रॉ का भी सोचना है तो फिर भी आपको और भी सूरतें हैं ड्रॉ की, लेकिन 12-15 विकेटें एटलीस्ट लेनी पड़ेंगी आपको, और 20 विकेटें लेके भी आप हमेशा नहीं जीत सकते, तब भी आप समटाइम्स आपके बैट्समैनों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलना पड़ेगा मैच ड्रॉ करने के लिए या जीतने के लिए, तो बड़ी मेहनत की जरूरत है, बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस इनको दिखानी पड़ेगी। तो लेट्स सी कि क्या करते हैं। सर जी इस बार पाकिस्तान टीम जरूर जीत कर आएगी, मार्क माय वर्ड्स, रिस्पेक्ट फ्रॉम चंडीगढ़ इंडिया। तो ये जनाब ब्लू वेव्स व्लॉग सब ने मैसेज किया, वाह 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 वाह, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। और गगन साहब ने मैसेज किया है कि मोहसिन साहब जी कोहे नूर हैं, तो आप जी कोहे नूर हैं मोहसिन अली साहब। वाह वाह जी, आपकी मेहरबानी है यार, ये लफ्ज वैसे विराट और रोहित पे अच्छा लगता है। तो थैंक यू वेरी मच जी आपके मैसेज का। होपफुली पाकिस्तान अच्छा करे जाके, पाकिस्तान के लिए अच्छा है, और होपफुली इंडिया भी अच्छा करेगा, जो ऑस्ट्रेलिया में नहीं किया इस दफा करके आएगा। हाँ अच्छा जी, और जी एस साहब कह रहे हैं शेरा वंगू यार कट गए,
वेले नाल सी जिन्हां दी यारी मुसन से जो के गंडासी मारी। ऑसम मूवी एनिमल। ये भाई साहब तुसी केड़ी शेरो शारी यूज माला कर। जट का डिलान बोल दिता है तुसी। माला जट लेजेंड साहब, माला जट रिजवान साहब मैनू भी फड़ के लै गए सन। ओदे मैं दो पंजाबी चूचियां दे सुने ने डिलाग। हुण मैं सुल्तान राही ते अपना मुस्तफा कुरैशी नु वेख्या सी ते मैं जेड़ा कपड़े भी हिल रहे होण फहाद के फवाद खान के। और खैर वो हमजा ने अच्छी एक्टिंग की है। वो बेचारी मायरा ठीक खान है तो जी, माजरत जाएंगे ही थी, ऑसम वो मूवी अच्छी एनिमल थी। कोई कभी मौका मिला तो देखेंगे। अब यहाँ पे कोई यार दोस्त नहीं है, अकेले देखे अकेले देखे अकेले अकेले आप क्या तो मूवी देख सकते हैं देखेगा। भाई, वो फिंगर अली साहब नहीं तो ने आप किसी ऑफर को की साथ में है, पड़ोसन को ले जाए, पड़ोसन फिंगर को अली ले साहब ने जाए। ऑफर वो की हुई है। कहीं बांग में चहल रही है तो दिखाएंगा तुझे, फिल्म निकाल आऊं। आप पहले अपनी पड़ोसन के साथ जाए ना, तो फिर मैं भी ले जाऊंगा। भाई जान मेरी तो 80 साल की पड़ोसन है, तेनू की लैके जाना है? मैं कोई नवी दसो मैनू, मैं फौरन ले जावांगा। आप पड़ोसन के साथ जाए ना, तो फिर मैं आ जाऊंगा उधर फातिया कहने के लिए आपके लिए। भाई जान 80 साल की पड़ोसन नाल नहीं जाया जाता ना, अभी 22 25 30 साल की होवे तो ठीक है। तो चलो दोस्तों, उम्मीद है कि पाकिस्तान अच्छा करेगा ऑस्ट्रेलिया में, इंतजार ही है। अभी तो खैर वार्म अप मैच में भी उनका अच्छी है, उन्होंने अपने लड़के उतारे हमें, नहीं तो देखते इंडिया हैं में तो कैसे। लगती है ना, थिएटर्स में मूवीज लगती है, पाकिस्तान में हाँ तो नहीं लगती इंडियन मूवीज। आने नहीं लगती, तो देखते हैं जी क्या करेंगे हमारे लड़के। होपफुली दे विल डू वेल। क्या 400 पाकिस्तान बना पाएगी इस बार? नितिन गुप्ता जी जाते जाते पूछ रहे हैं। तो जी हमारे बैट्समैन 400 बनाएंगे ऑस्ट्रेलिया में इस बार, एक इनिंग में, मैच में बनाएंगे नहीं। बनाएंगे इस दफा इंशाल्लाह इनिंग्स की बात हो रही है, बनाएंगे। मैच की नहीं जी। मैं मैच में इनिंग्स तो की बना बात कर लेंगे रहा हूँ नितिन भाई जान, गुप्ता सर। बनाएंगे 400 नितिन गुप्ता सर बनाएंगे। मैच में तो बना लेंगे, अब इनिंग्स का पता नहीं है कि इनिंग्स में नहीं, 400 एक बना इनिंग्स में पाएंगे कि नहीं। बनाएंगे 400 बनाएंगे। होपफुली होपफुली वो कह रहे हैं इमामुल हक बनाएंगे इस दफा बनाएंगे, टॉप स्कोरर होगा तो मैं देखना चाहूंगा। लड़के डिटरमेंट है। चलो तो फिर दोस्तों, अभी आपसे इजाजत चाहते हैं, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। और भाईजान सुबह नेट वाले को आपने भूलना नहीं है, उसको जरा सुबह सुबह ही उसे फोन करनी है। मैं भी उसकी अभी उसकी टुटड़ी टाइट करता हूं। हाँ चलो ठीक है, तो सही है फिर दोस्तों। सी यू टुमारो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव यू, बाय बाय। बाय।